श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संस्थापक श्री शंकर लाल जी खटीक चौहान ने अपने राजस्थान प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए वार्ड पार्षद कांग्रेस के भरत जी खटीक को उनकी ईमानदारी व लगन को देखते हुए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यालय उदयपुर टूर पर एक मीटिंग रखी गयी, जिसमे सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष भरत खटीक को घोषणा की गयी। सभी साथियों को नमस्कार। आज श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच के मुख्य कार्यालय उदयपुर टूर पे हमारे नवनियुक्त जो आज भरत जी जो कि हमारे प्रतापगढ़ की आन मान शान और वर्तमान पार्षद है, कांग्रेस के पार्षद है और जो 30 साल से सीट निकाल के लाए, ऐसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक समाज का नाम किया और कांग्रेस पार्टी के रत्न एक हीरा है। दूसरा, मैं आपको सभी समाजों को बताना चाहता हूं कि आज हमने कल हमसे बात हुई थी और हमारे इनकी जगह पहले जो हमारे अध्यक्ष थे जिला अध्यक्ष प्रकाश जी मार साहब जो उनको आज हमने प्रदेश के महासचिव उनका बना दिया गया है, प्रदेश सचिव उनको बनाया है और प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष को भरत जी को हमने जिलाध्यक्ष घोषणा की आज, और साथ ही देवीलाल जी को प्रदेश के कार्यकारिणी के मेंबर के रूप में आज घोषणा करी है। साथ ही हमने कल बात करी थी भाई सचिव साहब हमारे राष्ट्रीय बागड़ी साहब राजेश जी और सीपी साहब से बात हुई कि सीपी साहब ने कहा कि नहीं विस्तार करना है प्रतापगढ़ जिले का भी, तो हमने सोच रखा था कोई ऐसा रत्न कोई ऐसा हीरा हमारे को मिले तो प्रतापगढ़ जिले को और समाज को एक बूंद रख सके, तो उनके रूप में हमारे को भरत जी के रूप में हमें वो हीरा मिला है और आज हमने राष्ट्र महासचिव सीपी चौहान और राजेश जी बागड़ी सचिव राष्ट्र सचिव हम तीनों ने मिलकर विसर्जन करके आप इनको बुलाया मुख्य कार्यालय पे और आज इनको साफा और उपरना और माला पहना के इनको प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष पद की घोषणा करता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आप और प्रकाश जी और भाई साहब देवीलाल जी तीनों मिलकर संगठन का नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे और हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और आप जो काम कर रहे समाज वो राजनीति के वो अब समाज के लिए भी आप तत्पर काम करेंगे और समाज के लिए खड़ा रहेंगे और आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ में मैं राष्ट्र महासचिव से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वो भी कहें। सभी साथियों को श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय कार्यालय पर आज हमने प्रतापगढ़ जिले के लिए भाई साहब श्री भरत जी का हमने प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष की घोषणा की है और जो सुरेश जी है उनको हमने राष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। मैं आशा करूँगा कि आप किसी भी समाज के कार्यों में खरा और उतरेंगे। धन्यवाद। कि हमारा नवयुक्त जिलाध्यक्ष भरत जी इस पर 2 शब्द बोले कहे। सर्वप्रथम मैं सर भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि मैंने आज काफ़ी संख्या में प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष की चौहान को की भाई साहब का शंकरलाल जी चौहान का तो मैं तय दिन से आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने मुझे आज ये जवाबदारी दी है और मैं इसे उस पर 100% खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सीपी जी चौहान श्री राजेश जी बागड़ी इन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने आज मुझे बुलाया और मुझे इस पद से नवाजा, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ और मैं कोशिश करूँगा इस पद पे खरा उतरने की और भाई साहब का और समाज का मिल के हम काम करेंगे। राजनीतिक पे तो मैं सक्रिय हुई, अब मुझे समाज का भी काम करना है, समाज को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय खटीक समाज। खटीक समाज जिंदाबाद, राष्ट्र एकता मंच जिंदाबाद, राष्ट्र एकता मंच जिंदाबाद। साथ ही में जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के लोग प्रशासनिक अधिकारी जो जुड़े हैं उनको बहुत ही जल्द हम उदयपुर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं और उसमें आप सभी को ये ज्ञात नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, सारे लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का किसी को भी तकलीफ हो तो हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत। खटीक समाज जिंदाबाद, खटीक समाज जिंदाबाद, राष्ट्र एकता मंच जिंदाबाद, राष्ट्र एकता मंच जिंदाबाद। धन्यवाद साहब।